Redmi Note 7 Pro के हुए सक्सेस के बाद Xiaomi अपना एक और नया स्मार्टफोन लेकर के आ रहा है जिसका नाम होने वाला है Redmi Note 8 Pro। काफी टाइम से ये फोन रूमर्स में था लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो गई है। मैं आपको बता दूं ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा और साथ में चार कैमरे के साथ आएगा। जी फ्रेंड्स, क्या क्या आपको और इसमें देखने को मिलेगा, कितने प्राइस में आएगा और ये कब आएगा, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इसकी डिजाइन को लेकर के। तो आपको पता है Redmi के जितने ही फोन आते थे उसमें वही सेम डिजाइन देखने को मिली थी, लेकिन Redmi का Note 7 Pro में डिजाइन बिल्कुल चेंज देखने को मिली थी और काफी ज्यादा अच्छी डिजाइन देखने को मिली थी। वही सेम डिजाइन इस फोन में भी आपको देखने को मिलने वाली है। इसकी डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.39 इंच की ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। मैं आपको ये बता दूं कि Redmi का Note 7 Pro आया था उसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिली थी, इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला था। इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। प्रोटेक्शन की बात करें तो वही Redmi Note 7 Pro वाली प्रोटेक्शन सेम देखने को मिलने वाली है, गोरिल्ला ग्लास 5P आगे और पीछे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा डालो। बात करना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पे इसकी रैम और रोम के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 4GB, 64GB, 6GB, 64GB दो वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको हीलियो वाला G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। जी फ्रेंड्स, क्योंकि Redmi के जितने भी आप नए स्मार्टफोन आएंगे उसमें आपको हीलियो का G90T प्रोसेसर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्नैपड्रैगन के 730 से भी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है और ये स्पेशली गेमिंग के लिए है, क्योंकि सारे लोग आजकल ज्यादा फोन में गेम खेलते हैं, उन्हीं को देखते हुए Redmi ने इस स्मार्टफोन में आपको हीलियो का G90T प्रोसेसर डाला है। डिस्प्ले बड़ी दी गई है 6.39 इंच की, वो भी AMOLED, तो इसमें बैटरी कितने एमएच की देखने को मिलने वाली है। जी फ्रेंड्स, इसमें बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है वो 4000 mAh की देखने को मिल जाएगी। टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ मैं आपको यही बता दूं कि इसमें आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होगा, और इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। फाइनली बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में। जी फ्रेंड्स, जो कि इसका मेन्स पार्ट बना हुआ है, इसमें आपको बैक में चार कैमरे देखने को मिल जाएंगे। जो पहला इसका रियर कैमरा दिया गया वो 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, दूसरा कैमरा इसमें आपको दिया गया है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया जो कि अल्ट्रा वाइड को सपोर्ट करेगा, एक और कैमरा इसमें 5 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि वाइड एंगल को सपोर्ट करेगा, और लास्ट कैमरा जो कि 2 मेगापिक्सल का दिया गया वो टेलीफोटो के लिए दिया गया, डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया। आप मर्जी चाहे वैसे फोटो क्लिक कर पाएंगे इसमें से। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का जो सेंसर देखने को मिलने वाला है वो सैमसंग का आईसोसेल GW1 सेंसर देखने को मिलने वाला है। ये काफी ज्यादा कमाल का सेंसर है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये वही सेंसर है जो आपको रियलमी एक्स प्रो में भी देखने को मिलने वाला है। वैसे हमने रियलमी एक्स प्रो का एक फोन आने वाला है उसमें आपको यही सेंसर देखने को मिलने वाला है, उस पर हमने एक वीडियो बनाई है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है Realme के फोन को लेकर के तो एक बार उस वीडियो को जरूर से देख ले। अब बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो जैसा कि आपको पता था कि इसमें आपको ड्यू डिस्प्ले देखने को मिल रही है तो क्लियर हो गया था कि इसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। इसका कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा फ्रंट वाला, जिससे आप अपनी सेल्फी अच्छी ले पाएंगे। और दोस्तों अब बात करना चाहेंगे हम लोग इसकी लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 7 Pro जो फोन आया था वो जनवरी के महीने में लॉन्च किया गया था, और मैं आपको बता दूं कि जो Redmi के फोन आते हैं वो 7 से लेकर 8 महीने के बीच के गैप में नए स्मार्टफोन आते हैं। तो अगर देखा जाए तो 8 महीने पूरे कंप्लीट हो रहे हैं अगस्त को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको ये अगस्त में इसी महीने में लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। रही बात इसकी प्राइस की, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी फोन आ रहे हैं नोट सीरीज के, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी प्राइस जो है वो 14 से 15 हजार रुपए के बीच में आ रहे हैं, तो इस फोन की भी प्राइस 14 से 15 हजार रुपए रहने वाली है। वैसे दोस्तों इसमें आपको बहुत ज्यादा कमाल की चीजें दी गई हैं, 6.39 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है,
और मैं आपको बता दूं 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, प्रोसेसर भी काफी ज्यादा कमाल का दिया गया है। अगर ये 14,000 से 15,000 रुपए की प्राइस में आ जाता है तो मैं आपको बता दूं कि ये फोन पूरी मार्केट को हिलाने वाला है। अच्छा दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस 64 मेगापिक्सल कैमरे को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको Redmi Note 8 Pro के पूरे सारे स्पेक्स देखने को मिल गए हैं, कितने प्राइस में देखने को मिलेगा ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करके बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अभी तक पहली बार बने हुए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।